एक चीज ना मैं बोलना चाहूंगा, अभी ये जो हो रहा है ना इस देश के अंदर, ये एनआरसी कैप ये इन लोगों ने इसलिए करा क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा हो गया खत्म, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। सरकार की इतनी नाकामी है, बेरोजगारी देख लो कहाँ पहुँच गई है, कितनी सरकारें जो इन्होंने कर दिया अभी तक, बेरोजगारी देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, मार्केट सारी डाउन हो चुकी है, छोटे छोटे जो व्यापारी है कहाँ आ चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, इतनी भयंकर मंदी आ गई है, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं लोग, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे। एनआरसी करेंगे जी, कैप करेंगे, देश को और पैसा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, कुछ भी नहीं, बस एनआरसी और करके देश के अंदर दंगे करवाएंगे और कुछ नहीं, यही रह गए इस देश के अंदर। हम यूथ है, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, आज डेट में रोड के ऊपर उतरोगे रात को 2 बजे, हमारा घर ये क्या, हमें नहीं सोना होता क्या, सबको सोना होता है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस ये भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कैसे भटकाएंगे, 50-60 लोग भेज देंगे, कहीं तोड़फोड़ कर देंगे, हमारे अंदर खून गर्म करेंगे, फिर कहेंगे पत्थरबाजी करते हैं, कौन करता पत्थरबाजी भाई, कौन करता है, दिखाओ ना हमें कौन करता पत्थरबाजी, कौन करता है। आरएसएस वाले कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, अगर कुछ भी नहीं करते तो खुले हम धमकी दे रहे हो कन्हैया कुमार को खत्म करने की, यही धमकी अगर कोई मुसलमान दे दे कहेंगे गद्दार है, वो गद्दार नहीं है, कन्हैया कुमार देश का बंदा नहीं जिसको ये लोग गालियां दे रहे हैं, हर इंसान देश का बंदा है जिसको गालियां दे रहे हैं, किसी का 1% हक नहीं है इस देश के बंदे को गद्दार बोलने का। सिर्फ भारत माता की जय बोलने से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम इस देश के नागरिक हो। आधार कार्ड क्यों बनवाया, क्यों बोला कि भाई अपना सब कुछ आधार कार्ड से लिंक करो, पैन कार्ड क्यों बनवाते हो, हमें वोट देने का राइट क्यों दिया, अगर एनआरसी करनी है सारी सरकारें बंद करो, एनआरसी करो फिर वोटिंग करो, अगर इनके बस की है जीत जाए तो, नहीं जीत सकता कोई भी क्योंकि इन्हें पता है ये गलत कर रहे हैं, बस की नहीं है जीत जाएंगे। एक एक स्टेट असम के अंदर इन्होंने करी अभी एनआरसी, कितना पैसा लग गया, पूरे देश में करेंगे। अरे एक जो मालवीय नगर है साकेत, ऐसे ऐसी छोटी छोटी जगहों पे पार्किंग बना दो, पता कितनी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, कितने लोग हैं जिनकी बेरोजगारी आराम से दूर हो सकती है, पर नहीं, हमें तो दंगे करवाने हैं, हमें अपनी सरकार चलानी है, हमें अपनी रोटियां बेलनी है, अगर ऐसे रोटियां बेलनी है ना भाई तो जाओ अपनी बीवियों को बोलो हमें आटा दे दो, हम वैसे बेल लेते हैं, इससे ज्यादा इनके बस की कुछ भी नहीं है।